जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे और बोल कि लब आजाद है तेरे में आज दो मुद्दों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में रण घमासान है। सचिन पायलट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है मगर मामला वहां पर बहुत उग्र होता जा रहा है। और दूसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्योंकि संजीत यादव नाम के एक लैब टेक्नीशियन को मौत के घाट उतार दिया उसके अभर्ताओं ने और इसमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही सामने उभर कर आई है। नतीजा ये हुआ है कि कानपुर में एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और डीएसपी मनोज गुप्ता दोनों को निलंबित कर दिया गया है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने बेशक सचिन पायलट को राहत दे दी हो मगर ये जिसे कहते हैं ना परमानेंट राहत नहीं है। सचिन पायलट ने आज फिर कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र को भी पार्टी बनाया जाए, यानी कि मामले को आप जितना खींच सकें खींचे। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी बहुत दबाव है क्योंकि फेयरमाउंट होटल के अंदर जो उनके तमाम विधायक हैं जैसे ही अदालत का यह फैसला आता है वो बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं, दबाव बनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कि आप अपना बहुमत साबित करें। मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो राज्यपाल से वक्त भी लेते हैं मगर राज्यपाल सिरे से बहुमत साबित करने या विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर उनकी मांग को ठुकरा देते हैं, ये कहते हुए कि कोरोना संकट चल रहा है लिहाजा ये नहीं हो सकता। अब इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे नाराज हैं। उन्होंने सीधा हमला बोल दिया कलराज मिश्र पर जो कि राज्यपाल हैं और आप जानते हैं कलराज मिश्र वही शख्स हैं जो मोदी 1.0 में यानी कि जो 2014 से 2019 के बीच सरकार थी कलराज मिश्र उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री थे और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने बीजेपी नेता रहे हैं। अब गहलोत इस कदर आपाक हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर राज्यपाल ने उनकी बात नहीं सुनी तो जनता राजभवन को घेर लेगी। सुनिए क्या कहें। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सब से सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए, आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, अशोक गहलोत को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप जिस व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं वो इस राज्य के राज्यपाल हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत ही धमकी भरे तेवर हैं जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, जिसे आप अवॉइड कर सकते थे गहलोत साहब, मगर आपने बात कही। मगर आज दूसरे पक्ष पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। वो सवाल क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जब कलराज मिश्र ये बात कह रहे हैं कि कोरोना संकट के चलते विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता या मैं आपके बाकी विधायकों से नहीं मिल सकता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में 15 दिन विलंब से लॉकडाउन लगाया गया था, जानते हैं क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनानी थी। वो तस्वीरें याद है आपको? इन तस्वीरों में कोरोना संकट के बीचों बीच इस भीड़ में शिवराज सिंह चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। लॉकडाउन की घोषणा में आपने इतने दिनों का विलंब कर दिया, नतीजा यह हुआ कि कई ब्यूरोक्रेट्स जो थे मध्य प्रदेश सरकार में वो कोरोना से जो है प्रभावित पाए गए, कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तो मैं कलराज मिश्र साहब से पूछना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड क्यों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह फर्क क्यों? और एक और बात जो आज अदालत में सामने उभर कर आती है कि सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने की बात की है। इस बात को समझना होगा, इसे लोग दो नजरियों से देख रहे हैं। एक तो यह कि यह एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को
सचिन पायलट को पूरी तरह से बैक कर रहा है, इसीलिए सचिन पायलट केंद्र को शामिल करना चाहती है। दूसरा यह कि कहीं ना कहीं सचिन वक्त चाहते हैं जितना मामले को खींचें, क्योंकि इस वक्त गहलोत के पास 101 विधायक हैं। सचिन पायलट ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कुछ टूट के उनके पास आ जाएं, क्योंकि उनके पास 19+3 करीब 22 विधायकों का समर्थन है, तो इसलिए मामले को खींचा जा रहा है। हालांकि सचिन पायलट खेमे का यह कहना है कि नहीं, इसका मकसद यह है क्योंकि मामला संविधान को लेकर है, संविधान में बदलाव को लेकर है, यही वजह है कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें पार्टी बने। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं, अगर सचिन पायलट के पीछे वाकई भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है, तो सचिन पायलट के समर्थक जितने विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में क्यों है, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, मुझे यह समझाया जाए कि जो टेप्स सामने उभर कर आ रहे हैं उनमें कथित तौर पर सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो कथित तौर पर केंद्र सरकार के एक मंत्री से बात क्यों कर रहे हैं, ये दूसरी बात है। फिर तीसरी बात, आपने केंद्र सरकार को पार्टी बनाने की बात की है। और चौथा और अहम प्रमाण, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पुनिया साहब ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के बीच में कोई लिंक नहीं है तो पुनिया साहब इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो ऐसे में आज जब राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला आया है तो हमें पृष्ठभूमि में तमाम मुद्दों को भी देखना होगा। कलराज मिश्र ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम सत्र नहीं बुला सकते, जो कि वाजिब कारण है, मगर इसी हालात में हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट किया गया था, तो आपका यह तर्क यहां पर कमजोर पड़ जाता है। और जो मेरा निजी तौर पर इस पूरे मामले में जो मेरी चिंता है, मेरी आशंका, वो ये कि राजस्थान ने कोरोना संकट के खिलाफ एक बहुत अहम लड़ाई लड़ी है और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। ऐसे में इस वक्त सरकार को अस्थिर करना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मुझे उम्मीद है कि जनता उन्हें इस बात का सबक जरूर सिखाएगी। यह अपने आप में बहुत अहम बात है और हम इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। देखिए, राजस्थान का जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है उसलिए भी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि दोनों ही खेमे इस बात को लेकर मुतमईन नहीं है या इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनके पास दरअसल कितने विधायकों का समर्थन है। अशोक गहलोत बेशक 101 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, मगर इनमें से दो सीपीएम के हैं और दो ट्राइबल पार्टी बीटीपी के हैं। आपको याद होगा ट्राइबल पार्टी बीटीपी के जो दोनों विधायक थे वो क्या कह रहे थे कि हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। खबर यह है कि सीपीएम के भी जो विधायक हैं वो बटे हुए हैं, एक पायलट के साथ जाना चाहता है और एक गहलोत के साथ रहना चाहता है। तो कहने को 97 लोग अशोक गहलोत के साथ हैं, बाकी 4 का जो समर्थन है उसके बारे में हम पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते। उसी तरह से पायलट की भी बात करें तो पायलट के अंदर भी जो उनके साथ कुछ विधायक हैं उनका यह मानना है कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी और वापस जो उनके कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां की जनता में रोष बढ़ सकता है अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं। तो इस वक्त किसी के पास कोई बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से ओतप्रोत नहीं है, मगर हां, अशोक गहलोत में जबरदस्त दबाव है, उन पर बहुत जबरदस्त दबाव है कि वो अपना बहुमत साबित करें। यही वजह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद तुरंत वो राज्यपाल की तरफ निकल पड़े और लगातार वो राज्यपाल साहब पर हमला करते रहे थे। तो ऐसे में इस मामले की पेचीदगी को आपको समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले, एक सरकार स्थिर है या नहीं वो एक ही जगह में पता चल सकता है, वो है विधानसभा सत्र। तुरंत एक विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए। सचिन पायलट को, दूसरी बात, सचिन पायलट को सामने आकर बोलना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। पर्दे के पीछे से बयाना जारी ना करें, प्रॉपर इंटरव्यू दें कि वो अब भी कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा दोनों ही खेमे के जो विधायक हैं वो खुलकर अपने मन की बात करें। इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति मन की बात नहीं करता है, आप सब अपने मन की बात करें, बताएं आप किसके साथ हैं, और मुझे लगता है उसके बाद ही इस मुद्दे का समाधान होगा। बहरहाल, बोल के लब आजाद है तेरे में आज मेरा दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था। और आप जानते हैं आज ट्विटर के अंदर एक ट्रेंड हो रहा था
कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करो, और क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह फोटो है, इनका नाम है संजीत यादव, एक लैब टेक्नीशियन थे। इन्हें अपहृत किया जाता है, किडनैप किया जाता है, 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। बताया जाता है कि पुलिस उस 30 लाख की फिरौती को लेकर पूरा मार्ग साफ करती है, मगर बावजूद उसके संजीत यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके तमाम किडनैपर्स पुलिस की गिरफ्त में है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं तमाम चीजें एक के बाद एक इस परिवार के साथ क्या हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए, करीब 20-30 सेकंड का है। यहां पर संजीत यादव जब किडनैप हो गए थे उस वक्त किस तरह से उसका परिवार गुहार लगा रहा था। और जब संजीत यादव की मौत की खबर आती है तब आप देखिए किस तरह से बदहवास उसका परिवार दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर किस तरह से उसका परिवार सिर पीट रहा है कानपुर पुलिस के सामने। नतीजा ये हुआ कि योगी सरकार ने एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और डीएसपी मनोज गुप्ता दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, जो कि इस पूरे मामले से पुलिस की जिम्मेदारी को हटा रही थी, वो ये भी कह रही थी कि जो बैग गया उसमें 30 लाख रुपए नहीं थे। सुनिए उनका बयान। घर बेचकर और शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी, उसको एक बैग में भर के दिया गया था, बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों द्वारा जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई व जमा किए गए 30 लाख के स्रोत के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। परेशानी की अवस्था में कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो संभव है कि जल्दी कार्य होगा और उनका बच्चा जल्दी घर वापस आ जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति का एक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपहृत व्यक्ति को सही सलामत जल्दी से जल्दी बरामद करना कानपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें ऑलरेडी लगी हुई टीम के अलावा अब SOG टीम भी काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया। एक बात साबित हो गई है, वो औरत जो खुद को लखनऊ लोक भवन के सामने अपनी बेटी के साथ आग लगा देती है, यानी साफिया, जिसकी बाद में मौत हो जाती है, पत्रकार विक्रम जोशी जो कि गाजियाबाद के एक थाने में जाता है, गुहार लगाता है कि मेरी भांजी को लोग छेड़ रहे हैं, पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती, या फिर संजीत यादव, इन तीनों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय नहीं। और उसी का परिणाम इस वक्त आप देख रहे हैं। 2014 से पहले पत्रकार कितनी आसानी से गैर भाजपा राज्यों के बारे में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर देते थे। अखिलेश यादव के गवर्नमेंट के लिए हम जंगल राज कह देते थे, लालू प्रसाद यादव जिस सत्ता में थे उनके लिए हम जंगल राज कह देते थे, मगर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मिसालें, पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए आप, पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए, नागरिकता बिल अभियान के दौरान आपने देखा पुलिस किस तरह से लोगों के सिर और छाती पर गोली मार रही थी। पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। एक गैंगस्टर विकास दुबे हमारे 8 पुलिस कर्मियों को मार देता है और बाद में फिर उसे एक अजीबोगरीब हालात में एनकाउंटर में उड़ा दिया जाता है, और फिर विकास दुबे के जो पुलिस या राजनेताओं के साथ लिंक थे वो पूरी तरह से स्वाहा हो जाते हैं।
यह है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। और इसलिए बहुत चिंता हो रही है कि इस प्रशासन में, इस राज्य में ना संजीत यादव के लिए इंसाफ है, ना विक्रम जोशी के लिए इंसाफ है, और ना साफिया के लिए इंसाफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ मुद्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 अगस्त को अभी शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर का, और फिर भगवान राम की महिमा के सामने आप इन तमाम चीजों को दफन कर देंगे, दबा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही मायनों में रामराज्य को समझेंगे, क्योंकि सही मायनों में रामराज्य उस वक्त नहीं होगा जब आप राम मंदिर बनवाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। अच्छी बात है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। सही मायनों में रामराज्य तब होगा जब आप संजीत यादव, विक्रम जोशी और साफिया को इंसाफ दिलवा पाएंगे। नमस्कार।